भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अति उत्साहित है अमजेरा क्षेत्र नागरिक। आज रविवार को अमजेरा आगमन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दे सकते हैं तहसील का दर्जा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के आगमन को लेकर अमजेरा वासी काफी उत्साहित हैं। अमजेरा के जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक यह मानकर चल रहे हैं कि डॉक्टर यादव के आगमन पर उनकी वर्षों पुरानी अमजेरा तहसील की मांग आज पूरी होगी। जनपद सदस्य प्रतिनिधि शुभम दीक्षित ने कहा कि 2008 में राजगढ़ की कृषि उपज मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमजेरा को तहसील बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक घोषणा पूर्ण नहीं हुई है। अमजेरा का गौरवशाली इतिहास एवं पौराणिक इतिहास चल रहा है। अमजेरा तहसील इसलिए बनना चाहिए कि आज क्षेत्र का थाना अमजेरा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमजेरा है, वन विभाग का कार्यालय अमजेरा है, दूरसंचार विभाग का कार्यालय अमजेरा है, विधानसभा की सबसे बड़ी पंचायत अमजेरा है, राष्ट्रीय बैंक अमजेरा में, उसके अलावा वीरता की भूमि अमजेरा, द्वापरकालीन युग से अमजेरा का महत्व है, अपना खुद का एक महत्व है। आसपास के 70 से ज़्यादा ग्रामीण लोग अमजेरा में अपने जीवन यापन की सामग्री, अन्य सामग्री के लिए अमजेरा पहुँचते हैं। आज नायब तहसीलदार का कार्यालय अमजेरा है, हर वो चीज़ अमजेरा में है जो एक तहसील बनाने के लिए ज़रूरी है। तो अमजेरा को तहसील बनना चाहिए और हम लोग विगत, मेरी तो उम्र भी आज 31 साल है, 30 साल से हम लोग प्रयासरत हैं अमजेरावासी की तहसील बने। 2008 में जन आशीर्वाद यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा की थी कि अमजेरा को तहसील बनाएंगे। 2023 में मांगो चौराहे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके वाक्य थे कि अमजेरा को हर हाल में तहसील बनाऊंगा, और वो बन भी जाती, बाकी किसी कारणवश वो अविलंब हो रहा है। बाकी अब माननीय मुख्यमंत्री जी कल अमजेरा पधार रहे हैं और उन्होंने अमजेरा को श्री कृष्ण तीर्थ, जो चार तीर्थ बना रहे हैं, जैसे देश के चार तीर्थ है, वैसे वो मध्य प्रदेश के कृष्ण लोक के नाम से चार तीर्थ बना रहे हैं। तो हम सब अमजेरावासी उनसे आस लगाए बैठे हैं कि वो इस बार कोई घोषणा नहीं करें और अमजेरा को तहसील बनाने का एक टीप में आदेश करें। अभिजीत पंडित ने बताया कि अमजेरा को तहसील बनाने की मांग 2008 से की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो बार इसे तहसील बनाए जाने की घोषणा की थी। अमजेरा ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, तहसील के लिए जो जो मूलभूत आवश्यकता है वह सभी यहां मौजूद है। पुलिस थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नायब तहसीलदार कार्यालय, वन विभाग कार्यालय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि है, जिसे देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री अमजेरा के लोगों को तहसील का दर्जा देकर एक बड़ी सौगात दे, यही सभी ग्रामवासियों की अपेक्षा है। अमजेरा को तहसील बनाने की मांग वर्ष 2008 से लगातार चल रही है और 2008 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा अमजेरा को तहसील बनाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा में भी अमजेरा को तहसील बनाने की घोषणा की गई है, और लेकिन आज तक हम उस इंतज़ार में हैं कि अमजेरा को तहसील का दर्जा मिल जाए और यहाँ जो चहुमुखी विकास है वो पूरा हो, होगा डेवलपमेंट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भोपाल से एक वीडियो जारी किया है जिसमें प्रदेश के भगवान कृष्ण से जुड़े चार स्थानों को तीर्थ का रूप देने की बात की गई है, जिसमें उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, उसके बाद नारायणा और जानापावा और अमका झमका तीर्थ अमझेरा। अमका झमका तीर्थ अमझेरा में यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से भी पूर्व में जब 2 मार्च को यहीं माताजी के दर्शन करने के लिए आए थे तब मांग की गई थी कि उज्जैन महाकाल लोक की तर्ज पे श्री कृष्ण रुक्मणी लोक का यहाँ निर्माण किया जाए, जिससे यहाँ आने वाले दर्शक पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को इस चीज़ का एहसास हो और उनके सामने भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई सभी संपूर्ण घटनाक्रम एक लोक में यहाँ समाहित हो और एक झांकी के समान पूरा यहाँ लोक बने और लोग उन पौराणिक कथाओं को जीवंत रूप से देख सकें, क्योंकि मंदिर के पीछे भगवान रथ, भगवान कृष्ण का जो रथ आया था उसके पहियों के निशान आज भी विद्यमान है। रवि पाठक, जिला भाजपा कार्य समिति सदस्य ने कहा कि अमजेरा का धार्मिक एवं पौराणिक महत्व रहा है। अमजेरा रियासत कालीन जिला रहा है, उसके बाद तहसील हुआ करती थी, बाद में यह ग्राम पंचायत बनकर रह गई। सभी ग्रामवासी जनप्रतिनिधि इस बात के लिए प्रयासरत है कि अमजेरा का पुराना वैभव पुनः लौटे। अब लग रहा है कि यहाँ की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। माँ अमका झमका का जो मंदिर है ये द्वापर कालीन है,
और रुक्मणी हरण स्थल के रूप में अमझेरा जाना जाता है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अमझेरा और आसपास के समस्त लोग माँ के भक्त हैं और समय समय पर यहाँ पर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। और जो पुराना वैभव अमझेरा का रहा है, अमझेरा की समस्त जनता चाह रही है कि उसका पुराना वैभव वापस लौट कर आए। और कल जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और इस तीर्थ के विकास के लिए जो उनका प्रयास है, निश्चित तौर पर सराहनीय है। और अमझेरा सहित आसपास के समस्त क्षेत्र में बहुत लोगों में उत्साह है कि कल मुख्यमंत्री जी अमझेरा को इस मंदिर के लिए एवं अन्य सौगातें प्रदान करेंगे। विक्रम सिंह राठौड़ ने कहा कि अमझेरा को तहसील का दर्जा दिए जाने की हमारी वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होनी चाहिए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी प्रयास किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री जी अमझेरा आ रहे हैं और उनसे यही अपेक्षा है कि अमझेरा को तहसील बनाए जाने की न केवल घोषणा करें बल्कि उसे मूर्त रूप दे ताकि अमझेरा का विकास तेजी से आगे बढ़े। पूर्व जनपद सदस्य रेम सिंह भूरिया ने कहा कि कल मुख्यमंत्री के अमझेरा आगमन पर अमझेरा को तहसील का दर्जा मिलना चाहिए। यही महान क्रांतिकारी शहीद राणा बख्तावर सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी तथा आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश के चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।